अस्सलाम वालेकुम, आई एम एमन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, पाकिस्तान। आई एम हेयर टू डिस्कस अ टॉपिक विच इज बेसिकली लैम्प्रे। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि लैम्प्रेज होती क्या है, उसके बाद उसकी टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर, रिसर्च इंसाइट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंस, और लास्ट पे हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैम्प्रेज होती क्या है। लैम्प्रेज जॉ लेस ई लाइक वर्टिब्रेट्स हैं, जिनका ओरिजिन जो है बिटवीन 360 एंड 550 मिलियन ईयर्स अगो है। इनको बेसिकली एंशियंट एंड हिस्टोरिक फिशेज कंसिडर किया जाता है, एंड ये एवोल्यूशनरली सक्सेसफुल ग्रुप हैं जो स्टिल अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है और मोस्टली अपनी लाइफ्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ आईलेस टूथलेस वॉर्म लाइक लार्वी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम एमोसीड्स कहते हैं। इट्स मीन कि ये अपनी लाइफ के अंदर अडल्ट फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, ये मोस्टली जो है वो लार्वी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम इसकी टेक्सोनॉमी देखते हैं। टेक्सोनॉमी का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास हाइप्रो आर्टिया है, ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटी फॉर्म्स है, फैमिली पेट्रोमाइजोनिडी है, जीनस पेट्रोमाइजोन है, एंड जो स्पीशी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो पेट्रोमाइजोन मैरिनस है। नेक्स्ट हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो लैम्प्रे जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एंटी ट्रॉपिकल है। एंटी ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि ये पोलर और टेम्परेट रीजन्स के अंदर पाई जाती हैं। इनकी अप्रॉक्सीमेटली 40 स्पीशीज हैं जो कि तीन फैमिलीज के अंदर ग्रुप्ड हैं। एक फैमिली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर पाई जाती है जिसे हम पेट्रोमाइजोंटिडी कहते हैं, एंड जो टू फैमिलीज हैं जो जियोट्राइडी एंड मोडिसाइडी, ये साउदर्न हेमिस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा एज आई मैंशन अर्लियर, टेम्परेट रीजन्स के अंदर ये पाई जाती हैं अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट अफ्रीका, और ये कोस्टल एंड फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इनकी मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो लैम्प्रेज की है उनकी डिस्टिंक्टिव है, जो उन्हें बाकी फिश स्पीशीज से डिस्टिंक्ट करती है। इनकी ई लाइक बॉडी होती है, माउथ इनका सकर लाइक है, और इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस है, जॉज एब्सेंट है, ये जॉलेस फिश है। इनका जो फिन है वो सिंगल डॉर्सल होता है, और जो पेयर्ड फिन है वो एब्सेंट है, और इनकी जो स्किन होती है वो स्केललेस होती है। अब आप इस डायग्राम के अंदर भी जो मैंने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी ई लाइक बॉडी है, एक डॉर्सल फिन है, पेयर्ड जो फिन्स हैं वो एब्सेंट हैं, और इसकी जो बॉडी है वो स्केललेस है। उसके बाद हम इसका माउथ देखते हैं। तो आप डायग्राम्स के अंदर भी देख सकते हैं कि इसका माउथ जो है वो सकर लाइक है, उसके अंदर केराटिनाइज शार्प टीथ हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ अटैच होने के लिए यूज होते हैं, और ये फिश दूसरी फिशेस पर फीड करती है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट बिहेवियर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर इसका पेरेंटल बिहेवियर है एंड माइग्रेटरी बिहेवियर है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका माइग्रेटरी बिहेवियर। तो जो लैम्प्रेज हैं वो एक्सटेंसिव माइग्रेशन करती हैं बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरमेंट। अपनी डेथ से पहले ये माइग्रेट करती हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रॉम मेरीन एनवायरमेंट टू फ्रेश वाटर स्ट्रीम। लैम्प्रेस को सीमल पैरस कहा जाता है। सीमल पैरस बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पीशीज हैं जो अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक बार रिप्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पेरेंटल बिहेवियर। तो जो लैम्प्रेस हैं वो कोई पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करती अपने ऑफ स्प्रिंग्स को स्पॉनिंग के बाद, और इनके जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो अपने ओन पे डिवेलप करते हैं, और उनकी जो सर्वाइवल अबिलिटी है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस और नेचुरल फैक्टर्स पे। उसके बाद हम लैम्प्रे की इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरमेंट के अंदर। सबसे पहले हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो जो एक्वाटिक फूड वेब्स हैं उसका लैम्प्रेज इंटेग्रल पार्ट है, और ये बेसिकली एज अ प्रे भी सर्व करती हैं फॉर वेरियस फिश स्पीशीज, बर्ड्स एंड मैमल, यानी उनके लिए फूड का सोर्स है। उसके अलावा जब इनकी डेथ होती है तो ये रिवर के अंदर बायोमास में कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके अलावा ये बायो इंडिकेशन है वाटर एनवायरनमेंट के लिए,
इनकी प्रेजेंस से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाटर के अंदर कितनी पोल्यूशन है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट ट्रांसफर चैंपियंस हैं, ये फीड करती हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट में करती हैं और इनकी डेथ डिफरेंट एनवायरनमेंट में होती है, इसलिए ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं जैसा कि फास्फोरस और नाइट्रोजन है। इस वजह से जो फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम है उनकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकी मोस्टली लाइफ जो है वो फ्रेश मैरीन वाटर के अंदर होती है जहाँ पे ये इन द फॉर्म ऑफ लार्वी रहती हैं। स्पॉनिंग के लिए बिफोर डेथ ही ट्रांसफर होती हैं फ्रेश वाटर के अंदर और वहाँ पे स्पॉनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब जो न्यूट्रिएंट रिच सॉल्ट इन्वायरमेंट से ये न्यूट्रिएंट्स लेकर जाती हैं, जब इनकी डेथ होती है फ्रेश वाटर के अंदर तो वहां पे ये उन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद इनकी ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस को देखते हैं तो जो लैम्प्रेज हैं वो डिफरेंट ट्राइब्स और डिफरेंट नेशन के अंदर इनकी ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस है। लोगों की इनके हवाले से बहुत इनॉर्मस स्टीम्स हैं क्योंकि ये हिस्टोरिक फिश है, एंशियंट फिश है, तो इसलिए इनकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी डिफरेंट ट्राइब्स में कंसिडर की जाती है। उसके अलावा डिफरेंट फेस्टिवल्स में डिफरेंट कुकिंग ट्रेडिशंस को परफॉर्म किया जाता है पब्लिकली और लैम्प्रेस को पकड़ने के बाद उसे इमीडिएटली कंज्यूम किया जाता है आफ्टर कुकिंग। उसके अलावा ये मेडिकल बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर भी इन्हें यूज किया जाता है। अब हम लैम्प्रे के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले कि ये इंडिकेटर स्पीशीज हैं, इनकी प्रेजेंस से हम वाटर पोल्यूशन का लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एंशियंट क्रिएचर्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनका ओरिजिन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है और ये हिस्टोरिक स्पीशी होने की वजह से इनकी काफी इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा इनका लाइफ साइकिल काफी कम्प्लेक्स है क्योंकि इनका लाइफ साइकिल मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा इनकी नेविगेशन काफी इंप्रेसिव है क्योंकि ये जब माइग्रेट करती हैं फ्रॉम मेरीन एनवायरमेंट टू फ्रेश वाटर तो इनकी नेविगेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर जाती हैं जहाँ इन्होंने स्पॉनिंग करनी है। उसके अलावा इनकी जो रीजनरेटिव अबिलिटीज हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हैं क्योंकि ये अपने डैमेज पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती हैं। उसके अलावा इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है, एज आई मैंशन अर्लियर कि इन ये हिस्टोरिक स्पीशीज हैं, एंशियंट क्रिएचर्स होने की वजह से इनकी डिफरेंट कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है डिफरेंट नेशंस और ट्राइब्स के अंदर। उसके अलावा बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर लैम्प्रे को किस तरह यूज किया जाता है वो हम देखते हैं। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर बायोमेडिकल रिसर्च और इनके अंदर जो रेटिक्यूलो स्पाइनल एक्सॉन्स होते हैं, बेसिकली ये एक्सॉन डिफरेंट मोटर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इन एक्सॉन को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा जो लैम्प्रे का प्राइमरी यूज है वो विटामिन ऑयल प्रोटीन फूड फॉर लाइफ स्टॉक पोल्ट्री एंड फिश है। अब लास्ट पे हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि जो लैम्प्रेज हैं वो फैसिनेटिंग क्रिएचर्स हैं, इनकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स की वजह से ये बाकी फिशेस से काफी अलग हैं और हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शंस हैं इनके हवाले से क्योंकि ये प्रेडेटर्स हैं डिफरेंट अदर फिशेज की और इनकी इस वजह से नेगेटिव परसेप्शन है इनका इनकी पैरासिटिक नेचर की वजह से, लेकिन ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती हैं एज प्रे एंड प्रेडेटर बोथ और इस वजह से ये बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं और इकोसिस्टम हेल्थ के लिए ये इंडिकेटर्स हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लैम्प्रे। थैंक यू सो मच।